हेलो एवरीवन, आई होप कि सबने वाला न्यूज का आर्टिकल न्यूज़पेपर में देख लिया होगा। जिसने बेटा नहीं देखा है तो मैं बता रही हूँ बेटा, ये एक टाइप का बिग अलर्ट है, यानी कि आपके कंपटीशन को लेके बहुत बड़ी आपके लिए न्यूज निकल कर आई है। जिसने बेटा आप लोगों को बता रखा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिसमें मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन आया है फॉर कोर्सेज। अगर आपके मन में दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि मैम ये 26 लाख रजिस्ट्रेशन ड्यू के अंदर कैसे आ गया है, तो मैं बता दूं बेटा, अगर आप लोगों ने भी कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी है तो आपने उसमें मल्टीपल कोर्सेज को सेलेक्ट कर रखा है। यानी कि अगर आप लोगों के पास पीसीबी है तो आप लोग उसमें बीएससी भी करना चाहते हो, बीए भी करना चाहते हो, बीकॉम भी करना चाहते हो, एक्स वाई जेड आपने बहुत सारे कोर्सेज को सिलेक्ट कर रखा है। तो इसकी वजह से बेटा इसका संख्या बढ़ गई है। अगर बेटा यूनिवर्सिटीज की बात करूं, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज जो कि अभी न्यूज आर्टिकल में आई थी और जो बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, तो मैं बता दूं बेटा कि इसके अकॉर्डिंग बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 26 लाख रजिस्ट्रेशन है, 25,96,000 के करीब। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटीज के अंदर बेटा 8,41,000 रजिस्ट्रेशन आए बेटा, अपने आप में ही बहुत बड़ा नंबर है। अगर अभी तक आपने सोचा था कि मैम सीयूटी तो बहुत इजी है, हम लोग तो कर लेंगे, केवल क्लास 12th का ही तो आता है, तो बेटा इतना इजी नहीं है। इतना इजी होता तो बताओ ना यार, कोर्सेज में कितने कम है, सीट्स कितनी कम है यार, हर कोर्स में 50-60 सीट है, फिर रजिस्ट्रेशन इतने सारे, तो यार कॉम्पिटिशन तो है। यानी कि आपको बेटा अभी तक भी अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो बेटा ये हाई टाइम है आपका सीरियस होने का, 1 महीना बचा है, प्लीज अपना दिन रात एक लगाकर पढ़ने का। उसके बारे में बेटा बात करूँ थर्ड नंबर पे, तो बेटा भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 5 लाख के अराउंड रजिस्ट्रेशन हुए। एमिटी यूनिवर्सिटी जो कि बेटा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बेटा मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिले हैं, यानी कि 4,97,000 के करीब। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बेटा 5वें नंबर पे रहे, जिसके अंदर 4,81,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो 3,44,000 यार रजिस्ट्रेशन है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करोगे बेटा 3.39 लाख यार रजिस्ट्रेशन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बेटा 3.06 रजिस्ट्रेशन है। जामिया मिलिया इस्लामिया बेटा 2.63 लाख रजिस्ट्रेशन है। एंड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इसके अंदर बेटा मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन देखने के लिए मिले हैं 2.40 लाख रजिस्ट्रेशन। तो बेटा अपने आप में ही बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप लोगों ने अभी भी सीयूटी के एग्जाम को बहुत ज्यादा हल्के में नाप रहे हो तो बेटा ये आप सबकी गलत फहमी है। ठीक है, प्लीज आप लोग इसमें सीरियस हो जाओ। और बेटा इसमें ये भी बता रखा था कि टॉप 3 यूनिवर्सिटीज भी इस टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर शामिल है, यानी कि 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर है। कौन कौन सी है बेटा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो है बेटा ये एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जिसके अंदर आप लोगों ने लगभग देखे 5 लाख रजिस्ट्रेशन आए हैं। ठीक है, सेकेंड है बेटा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3.3 लाख अप्रोक्सीमेटली रजिस्ट्रेशन है। और थर्ड है बेटा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द न्यूज 2.4 लाख रजिस्ट्रेशन, यानी कि 3 प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर शामिल है। तो कंपटीशन बेटा इतना आसान नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको बताऊँ लास्ट के 30 दिन में आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको बेटा अपना रैपिड रिवीजन कर लेना चाहिए सारे चैप्टर्स का, और ज्यादा से ज्यादा बेटा मॉक टेस्ट पे आपको फोकस लगाना चाहिए। इस टाइम में बेटा आपको नीड होती है कि मैम हमें कोई बड़ा भैया या दीदी बता दे कि जो वो इस कॉलेज में पढ़ रखे होंगे वो हमें थोड़ा बहुत गाइड कर दे, डीयू में है, बीएचयू के अंदर है, कि कैसे कैसे कोर्सेज है, क्या क्या ऑप्ट करना पड़ता है, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं और बेटा मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा बेटा एम क्लास कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसकी सारी की सारी क्लासेस बेटा आज से चालू हो चुकी हैं। तो प्लीज अभी जाके एनरोलमेंट कर लो, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं बचा है, केवल 30 दिन बचे हैं। इसके अंदर बेटा मैं आपको बता दूं हम लोग क्या क्या करवा रहे हैं। 15 दिन बेटा हम लोग आपको रैपिड रिविजन करवा रहे हैं सारे चैप्टर्स का। ठीक है, जुनून 1.0 की सारी की सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रही है, जो कि हमने डिटेल में चैप्टर्स पढ़ा रखा है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि नहीं डिटेल में पढ़ना, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। प्लस बेटा हम लोग 10 दिन आपको सारे सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलने वाला है, यानी कि जो डी यू बी एच यू जैसी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपको खुद गाइड करने वाले हैं। ठीक है, आपको बेटा इसमें फॉर्मूला शीट्स मिलने वाली है जो आपको एंड टाइम पर रिविजन देंगे, आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले, डायग्राम्स बताने वाले, सब कुछ मिलने वाला है। मैं बेटा खुद दूंगी और ये सारे टीचर्स खुद देंगे, अश्प्रीत मैम, अन्नू मैम, शिखर सर, सब लोग आपको देने वाले हैं। आपको बेटा एनरोल कैसे करना है देखो बेटा, आज से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्लीज अभी जाके एनरोलमेंट कर लो ताकि आपका ज्यादा बैकलॉग ना हो। आपको अड्डा 247 पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पहली वाली वेबसाइट पे खोलना है, ऑल कोर्सेज के बाद आपको यहाँ पे बेटा K12 कैटेगरी में जाना है। K12 कैटेगरी के बाद आपको ये क्लास 12th को ओपन करना है। ये भी बेटा आपको 2 क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, एक ही एम प्लस है और एक बेटा एम है।
इसमें बेटा आपको हाइब्रिड किट भी मिल जाएगी जो आपके घर पे अवेलेबल, घर पे डिलीवर करी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ बिना हाइब्रिड वाला, जिसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल रही है, तो अभी आपको देख रहा है 3059 का, आपको उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे जाने के बाद बेटा आपको कोड लगाना है ST20, ST20, और बेटा इसको अप्लाई कर देना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि आपको बेटा 2987 के अंदर पड़ने वाला है ये कोर्स। और मैं आपको बता दूं कि यार ये कोर्स के अंदर मतलब आपके लिए अल्टीमेट कोर्स होने वाला है, आपको उसमें सब कुछ मिलने वाला है। मैं खुद आपको फॉर्मूला शीट्स या फिर फिजिक्स वाली मैम, आपको मैथ्स वाली मैम सब कुछ देने वाली, शॉर्ट नोट्स प्लस मॉक टेस्ट प्लस मेंटोरशिप प्लस बेटा जुनून 1.0 के सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो बेटा इससे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन अभी आपके लिए कुछ नहीं है। अभी भी सीरियस नहीं हो तो प्लीज यार एक बार ये डेटा देख लेना, मतलब आंखें खोलने वाला है सारा का सारा डेटा है। अगर आप लोग सच में अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो बेटा बहुत देर हो जाएगी, और ये बेटा बहुत ज्यादा हाई टाइम है आपको अपनी लाइफ में क्या चूज करना है वो पहचानने के लिए, क्या करने के लिए। जल्दी से सिलेक्ट करो, जल्दी से चूज करो कि लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे करना है, और फिर करो। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।